महानुभाव, जीवन में कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, कई तरह की सुविधाएं हैं, कई तरह की रहने की, भोजन करने की, उठने की, बैठने की, चलने फिरने की व्यवस्थाएं चलती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार चलने का प्रयास करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं में अपने आप पर नियंत्रण रखता है, उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाता है। और जिस व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, वह जीव कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में नियंत्रण करना सीखें। हर वस्तु पर एक नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपका नियंत्रण अपने आप पर सही होगा तो आपको जीवन में आमंत्रण मिलेगा, और आपके जीवन में आमंत्रण सही होगा तो आपको लोग निमंत्रण भी देंगे, और जब आमंत्रण निमंत्रण मिलेगा तो हमारी पूछ परख भी होगी और अन्य सारी क्रियाएं भी संपन्न होंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे जीवन में नियंत्रण की आवश्यकता है। जब तक जीवन में नियंत्रण नहीं हो सकता, तब तक हमारी जीवन का कल्याण होगा ही नहीं। हमें चाहिए नियंत्रण हो, हमारी जिह्वा पर नियंत्रण हो, हमारी आंखों पर नियंत्रण हो, हमारे हाथों पर नियंत्रण हो, हमारे मन पर नियंत्रण हो। और जिस व्यक्ति का जीवन में नियंत्रण होता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल और सार्थक हो सकता है। आप यदि किसी कंपनी में कार्य करते हैं, आप यदि कोई कंपनी चलाते हैं, आप यदि कोई बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, आप यदि बहुत बड़ी दुकान करते हैं, आप घर का संचालन करते हैं, हम संघ का संचालन करते हैं, कोई समाज का संचालन करता है, तो उस व्यक्ति को भी अपने आप पर नियंत्रण होना पड़ता है कि कहां पर क्या कहना है, कहां पर क्या नहीं करना है और कहां पर किसको क्या समझाना है। इस बात की जानकारी बड़ी नितांत आवश्यक है। आज वर्तमान के समय में किसी भी व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने परिवार के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने पड़ोसी के पास नियंत्रण कैसे होगा। हम चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे नियंत्रण में रहे, कैसे रहेगा। जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाओगे, जब आप अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आप दूसरों पर कंट्रोल कैसे करोगे। आपने कंट्रोल की दुकान देखी होगी, जिसको राशन की दुकान कहते हैं। वहां पर कंट्रोल की दुकान जो होती है, वहां पर बड़ी लाइन लगती है, बड़ी लाइन लगती है, लेकिन वहां पर सामान किसको मिलता है, जिसके पास में राशन कार्ड होता है। और राशन कार्ड में भी देखते हैं कि यदि घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के हिसाब से उसको सामग्री दी जाती है। किसी के पास घर में 2 सदस्य हैं तो उनको 2 सदस्यों के हिसाब से सामग्री दी जाती है, और किसी के यहां पर परिवार में 15 सदस्य हैं तो 15 सदस्यों के हिसाब से सामग्री दी जाती है। वहां पर लाइन चाहे बेशक 100 लोगों की लगी रहे, और कईयों बार तो ऐसा भी होता था कि लाइन लगी हुई है लेकिन सामान खत्म हो गया तो बीच वाला वहीं से लौटना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, कंट्रोल लाइन में कंट्रोल पूर्वक चलते हैं तो सामग्री मिलती है, और कंट्रोल लाइन में भी, कंट्रोल की दुकान में भी, कंट्रोल की जगह पर केरोसिन लेने भी जाएं, केरोसिन तेल, मिट्टी तेल लेने जाएं, तो वहां पर भी व्यवस्था आपको नहीं मिल सकती है। आपको जीवन में नियंत्रण बहुत जरूरी है। हर चीज करते समय, भोजन करते समय नियंत्रण जरूरी है कि क्या खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्या खाना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठंड का मौसम चल रहा है और आप ठंडा शरबत पी लो तो क्या होगा, आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। गर्मी का मौसम चल रहा है और आप गरम गरम चाय पीते जाओ तो क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो जीवन में नियंत्रण बहुत जरूरी है। हर वस्तु पर, हर व्यक्ति का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना है, मात्र खाते में नहीं, बोलते में भी, मन में भी नियंत्रण करना है। एक बार एक ऑफिस में वैकेंसी निकली, और जब वैकेंसी निकली, इंटरव्यू निकला, तो 50 लोग सिलेक्ट हुए,
कि आप 50 लोगों को इंटरव्यू देने आना है। और आपने देखा होगा जब आपने दिया होगा इंटरव्यू दिया होगा, आपके बच्चे ने इंटरव्यू दिया होगा, तो वहां पर जाकर सबको वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है और एक एक करके अंदर बुलाया जाता है। वहां पर सारे लोग बैठ गए और जब बहुत सारे लोग बैठते हैं तो क्या होता है आपस में, जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग बैठ जाएं और महाराज जी का कमरा बंद है, कुछ भी है, तो जब तक लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, आपने कहां पढ़ाई करी, आपने क्या किया क्या नहीं किया। और ऐसी चर्चाएं वहां पर चालू थी। समय 9 बजे का था, 9 बज गई, 9:30 बज गई, 10 बज गई, कोई कॉल किसी को आया नहीं। तो इतने में क्या हुआ कि लोगों ने चर्चा चालू कर दी। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो इंटरव्यू देने आया हूं, तो दूसरे ने कहा कि तुमको उम्मीद है कि तुम इसमें पास हो जाओगे? बोले मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मैं इंटरव्यू पास हो सकता हूं, लेकिन क्या करूं, घर वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूं। दूसरे से पूछा गया कि आप इस कंपनी का, मतलब चर्चाएं चल रही हैं, कि बोले दूसरा कहने लगा, बोले इस कंपनी का जब आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आपके मन में क्या प्लान है? बोले मेरे मन में तो कोई प्लान नहीं है, मैं तो सामान लूंगा, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो ठीक है, मेरी सैलरी तो मुझे मिल रही है। तीसरे चर्चाएं चल रही हैं मित्रों की जो बैठे बैठे हैं। तीसरा पूछ रहा है कि भाई तुम ये जो है इंटरव्यू कौन सी बार देने आए हो? बोले जी मैं तो 8-10 बार इंटरव्यू दे चुका हूं और मुझे पक्का उम्मीद है कि 10-12 बार इंटरव्यू दूंगा जब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। चौथा व्यक्ति वहां पर बैठा था, उससे चर्चा के दौरान बताया, बोले यदि आपको कंपनी में ज्वाइन करा दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं पहली कंपनी की गाइडलाइन पढ़ूंगा और कंपनी की गाइडलाइन पढ़ने के बाद मैं कंपनी को ऊंचा से ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और कंपनी को ऊंचा उठाने का प्रयास करूंगा। पांचवें व्यक्ति से पूछा गया कि तुम इंटरव्यू देने आए हो, यदि मान लीजिए कभी ऐसी समस्या हो जाए कि कंपनी में कोई आपके लिए घाटा लग जाए और आपके लिए पैसे आदि ना मिले तो आप क्या कब तक काम करोगे? अरे बोले मुझे मालूम चल जाए कि 2 महीने बाद घाटा लगने वाला है तो मैं 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दूंगा। छठवें व्यक्ति से पूछा गया कि यदि आपको कंपनी में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ऑफिशियल लेटर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको दूसरी कंपनी में सैलरी डबल मिल रही, तो आप क्या करोगे? बोले मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इस कंपनी में इतना काम करूंगा कि जो मुझे डबल सैलरी यहां मिलने लग जाए, मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे करके लोगों के 10-12 लोगों की चर्चाएं हुई और 10:30 बज गई। इतने में घंटी बज गई कि इंटरव्यू समाप्त, सब लोग बोले क्या हो रहा है यहां पर। उतने में उनके बीच में से एक आदमी उठा और उसने कहा इंटरव्यू ऑफ, और उसने वो 2 व्यक्ति को सिलेक्ट किया और अंदर ले गया। बोले भाई ये है कौन? बोले एक कंपनी के इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे। हमारे यहां कंपनी का इंटरव्यू इस तरह से लिया जाता है, ना कि एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, बल्कि एक व्यक्ति बीच में बैठ जाता है और सबके विचार लेता है। उन्होंने कहा जब ये महाशय ये कह रहे हैं कि मेरी कंपनी में घाटा लगने वाला होगा और उसके 2 महीने पहले मैं रिजाइन कर दूंगा तो ये व्यक्ति को इंटरव्यू क्या लिया जाए। एक व्यक्ति यह कह रहा है कि मुझे डबल सैलरी मिलेगी तो मैं कंपनी छोड़कर चल जाऊंगा, उस व्यक्ति को कंपनी में क्या रखा जाए। एक व्यक्ति यह कह रहा है कि मुझे माल बेचने से मतलब है, फायदे नुकसान से मतलब नहीं, उसको क्या रखा जाए। और एक व्यक्ति को खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खुद को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको इस कंपनी में क्या रखा जाएगा। लेकिन ये 2 व्यक्ति होनहार हैं, हॉनेस्ट हैं, जिनको कम से कम ये पता है कि हम सिलेक्ट होंगे और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिए, हमें अपने जीवन में नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से परमात्मा हमारा इंटरव्यू लेते हैं, परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं, प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, प्रभु हमारा इंटरव्यू लेते हैं। और वह इंटरव्यू लेते लेते क्या करते हैं, आपसे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, और उस समय कोई घबरा जाता है और कोई मुस्कुरा जाता है। जो व्यक्ति घबरा जाता है उसको परमात्मा छोड़ देते हैं और जो मुस्कुरा जाता है उसको परमात्मा सिलेक्ट कर लेते हैं। समस्याएं बहुत गंभीर हैं लेकिन समाधान भी तो है, तकलीफें बहुत बड़ी हैं लेकिन उस पर मरहम लगाने वाले भी तो बहुत हैं। जिंदगी में समस्याएं आने पर, तकलीफ आने पर घबराए नहीं, बल्कि उसका सामना करने का प्रयास करें। आप यदि सामना करने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफें समाप्त 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 हो जाएंगी। लेकिन हम लोग सामना करने का प्रयास नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उससे जी चुराते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं। अरे स्कूल में जब पेपर परीक्षा होती थी तो कुछ बच्चे इस इंतजार में रहते थे कि कब पेपर दूं और मैं अपने 2 महीने की छुट्टी पर जाऊं, और कुछ बच्चे इस पे घबराते थे कि अब पेपर की समय आ गया, पेपर का समय आ गया, पेपर का समय आ गया, हे भगवान ऐसा हो कि 2 दिन बाद पेपर हो। अरे 2 दिन बाद होगा तो तेरे मन में डर ही रहेगा, और 2 दिन पहले होगा तो भी ये रहेगा, बल्कि ये तो सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। अपना काम करने का प्रयास करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाए। नियंत्रण
वाणी पर नियंत्रण। आप गाड़ी चलाते हो, जगह जगह बोर्ड लगा रहता है गाड़ी को नियंत्रण ब्रेक पर चलाएं क्यों, और उसके बाद लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्यों लिखा रहता है। आप गैस सिलेंडर लेने जाते हो, वहां पर लिखा रहता है कि भाई सावधानी पूर्वक रही, क्यों लिखा रहता है। वह सिर्फ इसलिए लिखा रहता है कि आपके जीवन में सावधानी हट गई, थोड़ी सी ही चूक आदमी को बहुत बड़े तकलीफ में डाल देती है। थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक की जगह यदि एक्सीलरेटर का बटन दब गया तो क्या होता है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि सावधानी पूर्वक चलिए और सावधानी पूर्वक रहिए तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते समय तो सावधानी को रखते हैं, क्यों रखते हैं। गाड़ी चलाते समय तो हम सावधानी को रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय यदि सावधानी को नहीं रखेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आप गाड़ी में दिन भर में 2 घंटे बैठते हो, उसको सावधानी पूर्वक चलाते हो, लेकिन परमात्मा ने जो आपको गाड़ी चलाने को दी है, आपके शरीर रूपी गाड़ी चलाने को दी है, उस पर आप नियंत्रण करके क्यों नहीं चलाते। आप 2 घंटे गाड़ी को नियंत्रित करके चलाते हो तो आपका जीवन सेफ है, लेकिन आप जिंदगी की रूपी जो जीवन रूपी गाड़ी है उसको नियंत्रण पूर्वक चलाओगे तो आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल सारा का सारा काम संपन्न होगा। आज हम लोग आमंत्रण चाहते हैं, निमंत्रण चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं चाहते। यदि कोई व्यक्ति आपको आमंत्रण दे रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा है, और आपको मैं कई बार कहता हूं कि यदि आपको 4 रोटी खाने की भूख है, 4 पराठे खाने की भूख है, 4 गुलाब जामुन खाने की भूख है, 4 सब्जी फल खाने की भूख है, और 3 के बाद कहते हो भाई मेरा पेट भर गया और बहुत अच्छा खाना था, अगले बार का निमंत्रण आपका पक्का है, अगले बार का आमंत्रण आपका पक्का है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपको 4 चीज की आवश्यकता है, आपने 7-8 खा ली, उसके डिब्बे में से जब दाल निकल रही है टनाटन डब्बा बज रहा है, कुकर में से आवाज आ रही खाली होने की, उसके बाद भी तुम कह रहे हो दाल लेकर आओ, तो अगले 3-4 बार निमंत्रण आपका कैंसिल पक्का है, 3-4 बार निमंत्रण कैंसिल पक्का है। ये तो अपनी समझदारी चाहिए कि लोग बोले और लो, उसके बोला नहीं भाई पेट भर गया, लेकिन लोग बोले और लोगे क्या, तो इसका मतलब लोग करते हैं। लोग महाराज जी को हार देने आते हैं, एक व्यक्ति आया बोले महाराज जी गुलाब जामुन लोगे, अब क्या बोले महाराज जी, एक बोले आप दही क्यों नहीं ले रहे हो, आप रायता क्यों नहीं ले रहे हो, आप पापड़ क्यों नहीं ले रहे हो। जब आहार हो गया तो महाराज जी ने उसे कहा कि बोले महाराज जी तो हाथ से ले नहीं सकते, नहीं बोले मैं पूछ तो रहा था, बोले पूछ क्यों रहा था, लेकर क्यों नहीं आया, लेना होता तो ले लेते, पूछते क्यों, आपके कोई मेहमान है तो पूछते हो चाय पियोगे क्या। आजकल तो जमाना बदल रहा है, आजकल तो जमाना बदल रहा है, बोले पूछ के बदलना पड़ता है, पहले जमाने ऐसा नहीं होता था, आगे भी बैठा हाथ पैर धोए चाय नाश्ता कराया आदमी संतुष्ट हो जाएगा, आजकल बोले चाय पियोगे क्या, कॉफी लाऊं। और आजकल तो बड़ी विचित्रता चल रही है महानगरों में, दिल्ली में हम कई सालों से रह रहे हैं, देखते हैं कि घर पे कोई मेहमान आया, एक डिब्बा सरका दिया सामने खोल के, उसमें काजू है, बादाम है, मुनक्के, पता नहीं क्या क्या चीज है, मिठाइयां हैं, 1 चम्मच उसने डाली मुंह में लिया, ऊपर डाला वापिस 1 चम्मच, कि उसने खाया जूठा उस पर छोड़ दिया, बाद में दूसरा मेहमान आएगा उसको खाएगा। अब सब धर्मात्मा है, कई जगह ऐसा होता है घरों में देखता हूं कि ट्रे लगी रहती है, बोले निकालो और खाओ और चलते चलो। तो मैं आपको बताना चाहूं जिंदगी में आपको आमंत्रण आ रहा है, आपको निमंत्रण आ रहा है, तो उसको आप नियंत्रण पूर्वक काम करेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग नियंत्रण पूर्वक काम नहीं कर पाते, अपने नियंत्रण से बाहर काम करते हैं, इसलिए समस्याएं हो रही हैं। हर चीज में नियंत्रण जरूरी है, वाणी में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, वार्तालाप करने में आपको नियंत्रण जरूरी है। क्योंकि नियंत्रण यदि नहीं होगा तो निमंत्रण नहीं होगा। जरूरी नहीं कि खाने की चीज का ही निमंत्रण हो, कहीं कार्यक्रम में भी आपको निमंत्रण, आप जाइए 25 लोग बैठे रहते हैं लेकिन बोलने का अवसर किसको दिया जाता है, जो व्यक्ति महफिल के हिसाब से बोल सकता है। जितने सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग भजन गाने वाले होते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि जब महफिल में भजन कौन गाए, कि जो व्यक्ति महफिल के हिसाब से गाना गा सके। चल रहा है जन्म जयंती का प्रसंग, चल रहा है जन्म जयंती का महोत्सव, मान के चलिए भगवान का जन्म कला का महोत्सव चल रहा है, और कोई वहां पर समाधि मरण की भावना गाने लगे तो क्या होगा। समाधि मरण की भावना ही भावना उत्तम है, लेकिन जन्म महोत्सव में क्या होगा। और चल रहा है भगवान के या किसी साधु की समाधि महोत्सव का, और वहां पर वो भजन गाने लगे, आज मेरे गुरुवर कुटिया में है, फिर क्या होगा।